ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक बहुत ही जहरीला सांप रहता था, जो बहुत ही गुस्से वाला और भयानक था, जिसके सामने अगर कोई गलती से भी आ जाता था तो वो तुरंत ही उसे काट लेता था, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर कोई जानवर ही क्यों ना हो। उसकी दहशत और क्रूरता के आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। मगर एक दिन एक बहुत साधु उस गांव से गुजर रहे थे, तभी वो सांप अचानक से साधु के सामने आ गया और वो अपने जहरीलेपन से साधु को डराने लगा। मगर साधु को अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं थी, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं डरे और बोले, बेटा तुम जो ये कर रहे हो वो पूरी तरह से गलत है। तुम्हारे ऐसे काम करने से भगवान तुमसे कभी खुश नहीं होंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी कभी नहीं होगी। इसलिए बेटा बुरे कर्म करना छोड़ो और निर्मल बनो, भगवान का नाम लो, नहीं तो मरने के बाद भी तुम्हें हर रोज नर्क में जलाया जाएगा। अब ये बोलकर साधु महाराज वहां से चले गए। मगर कुछ दिन बाद जब वही साधु महाराज फिर से उसी गांव से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वही सांप एक अधमरी हालत में पड़ा हुआ था और गांव के बच्चे उसे हर तरह से परेशान कर रहे थे, उसे मार रहे थे। जब साधु महाराज ने सांप से इनका कारण पूछा तो सांप ने बताया कि हे गुरुजी, जब आपने मुझे मोक्ष जाने का उपदेश दिया तो मैं आपके ज्ञान से काफी प्रभावित हुआ और अपने सारे बुरे कर्म को छोड़कर मैंने धर्म का मार्ग अपनाया, इसलिए मैंने लोगों को बेवजह डसना और मारना छोड़ दिया। मगर ऐसा करने से अब लोगों के बीच में मेरा डर और दहशत भी पूरी तरह से खत्म हो गई, जिसकी वजह से अब यही गाँव वाले लोग आते जाते मुझे परेशान करते हैं, मुझ पर पत्थर मारते हैं और बच्चे तो मुझे खिलौना समझकर इधर उधर उछालते फेंकते रहते, इसलिए आज मेरी ये हालत हो गई है गुरुजी। तब गुरुजी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें बुरे कर्म करने से मना किया था ताकि तुम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करके बेवजह बाहरी दुनिया में किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, लेकिन जब बात तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा की आती है तो तब मैंने गुस्से से फन दिखाकर अपने आप को बचाने से तुम्हें कभी नहीं रोका था। भले ही तुम अंदर से कितने भी पवित्र और निर्मल बन जाओ और बेवजह किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, लेकिन बाहरी दुनिया में अपना मान सम्मान और अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें अपनी दहशत और थोड़ा डर तो लोगों के बीच में कायम रखना ही पड़ेगा बेटा, वरना ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। इसे ही कहते हैं क्षत्रिय धर्म, जो ये कहता है कि बेवजह कभी किसी को हानि मत पहुंचाओ और ना ही किसी का बुरा करो, लेकिन जब बात खुद की और खुद के परिवार की और देश की सुरक्षा की आती है तो अपना रौद्र रूप दिखाने से भी पीछे मत हटो, नहीं तो ये दुनिया तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें बर्बाद कर देगी। इसलिए इस मतलब ही दुनिया में अगर टिके रहना है तो बुरे बनो और अपने स्टैंडर्ड को हाई रखो, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें कुचल करके रख देगी। जैसे कि एक समय था जब चाइना और पाकिस्तान मिसाइल बाय मिसाइल बनाई जा रहा था और भारत के चारों तरफ खतरा मंडरा रहा था, तभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने देश की सुरक्षा के लिए तुरंत ही अग्नि, पृथ्वी और नाग जैसी बेहद खतरनाक मिसाइलें बना डाली, जो कि एक्चुअली में अब्दुल कलाम जी अहिंसा और शांति को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे और वो कभी भी किसी की जान लेना नहीं चाहते थे। मगर जब बात अपने देश की सुरक्षा की आती थी तो वो भी दुनिया को भारत की असली भयंकर ताकत का विराट स्वरूप दिखाने से पीछे नहीं हटते थे, ताकि कोई भी बाहर का दुश्मन भारत से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचने पे मजबूर हो जाता था कि भाई इनसे पंगा नहीं ले सकते। लेकिन अगर उस समय पे जब हमारे पड़ोसी देश उनकी परमाणु शक्ति बढ़ा रहे थे, तब अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर अगर अपनी शक्तिशाली मिसाइलों के साथ भारत का रौद्र रूप दुनिया को नहीं दिखाते तो आज न जाने कितने अनगिनत देश भारत देश पे हमला करने के लिए चले आते। इसलिए जब बात अपने स्वाभिमान और सुरक्षा की आती है तो बुरे बनो, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन अब अगर आपने जिंदगी भर टू गुड टू नाइस इंसान बनने का ही डिसाइड किया है तो क्या होगा आपके साथ, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है निकोला टेस्ला, जिन्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद भी अपने से भी ज्यादा जीनियस एंड टैलेंटेड इंसान मानते थे, क्योंकि अपने पूरे जीवन काल में निकोलस टेस्ला ने 300 से भी ज्यादा पैटर्न अपने नाम पे रजिस्टर करवाई थी और वो 9 languages बोल सकते थे। यहाँ तक कि वो अपने स्कूल की पढ़ाई में भी इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्हें हर सब्जेक्ट में A+ grade ही मिलता था। यहाँ तक कि 4 साल की पढ़ाई उन्होंने सिर्फ 3 साल में ही पूरी कर दी थी और आज बड़ी बड़ी कंपनी में चल रही इंडक्शन मोटर से लेकर हमारे घर में चल रही बिजली उनकी ही डिस्कवरी AC करंट की वजह से आई है। अब इतने ज्यादा इन्वेंशन करने के बाद भी 7 जनवरी सन 1943 में सर निकोलस टेस्ला एक बैंकरप्ट भिखारी की तरह न्यूयॉर्क के एक पुराने से होटल में मरे हुए मिले। यहाँ तक कि अपने आखिरी दिनों में वो सिर्फ चाय और दूध बिस्किट खाकर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे और एक समय तो ऐसा भी आया था उनकी जिंदगी में जब अपना खर्चा निकालने के लिए उन्हें मजबूरी में गड्ढे खोदने का भी काम करना पड़ा था। लेकिन आखिरकार
निकोला टेस्ला की ऐसी बुरी हालत क्यों हुई थी? तो इसका जवाब है उनकी जिंदगी भर हद से ज्यादा टू गुड टू नाइस इंसान बने रहने की वजह से। जैसे कि एक बार थॉमस अल्वा एडिसन ने निकोला टेस्ला को अपने एक इन्वेंशन को रीडिजाइन करने को कहा, जिसके इनाम के रूप में उन्हें $50,000 देने का भी वादा किया। लेकिन जब निकोला टेस्ला एक्चुअली में एडिसन के उस इन्वेंशन को रीडिजाइन करके लेकर आए, तो एडिसन ने अपनी कमरे की जोक बताकर निकोला टेस्ला को पैसे देने से ही मना कर दिया। और उसके बाद निकोला टेस्ला ने बिना कुछ बोले एडिसन की नौकरी छोड़कर चले गए। और अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी भी एक बार भी एडिसन से अपने इन्वेंशन की कोई भी क्रेडिट नहीं मांगा। उसके बाद निकोला ने काफी सारे लोगों के साथ मिलकर अपना खुद का बिजनेस भी शुरू किया, लेकिन वहाँ पे भी लोग टेस्ला से काम करवा के अपने बिजनेस को सक्सेस तो करवा लेते थे, मगर जब हिस्से का बंटवारा करने की बात आती थी तो वो कानूनी दावपेच खेलकर टेस्ला को बहुत ही कम पैसे देकर कंपनी से ही निकाल देते थे। जबकि वहीं उनकी कई सारी टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन को जो उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया था, उसका इस्तेमाल करके कई सारे लोगों ने, जैसे कि मार्कोनी नाम के इंसान ने रेडियो डिवाइस बना के दिखा दिया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला और उन्होंने करोड़ों रुपए भी कमाए। जबकि वहीं जीते जीतो टेस्ला को इस चीज का कोई क्रेडिट भी नहीं दिया गया। और इसी तरह से इतने ज्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी निकोला टेस्ला अपने जीवन काल में उस लेवल की सफलता और इज्जत कभी हासिल कर ही नहीं पाए जिसके वो एक्चुअली में हकदार थे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या सर निकोला टेस्ला का जिंदगी भर जरूरत से ज्यादा टू नाइस एंड टू गुड इंसान बने रहना क्या सही था या गलत, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त। वहीं अगर हम बिजनेस की बात करें तो टू मच नाइस लीडर हमेशा अपना फोकस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे रखता है, जिसके लिए वो अपनी प्रायोरिटी को भी चेंज करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वहीं एक सख्त लीडर कभी भी अपनी प्रायोरिटी को चेंज नहीं करता, वो हमेशा अपना फोकस लॉन्ग टर्म गोल पे ही रखता है। जैसे कि एप्पल कंपनी में जो एम्प्लॉय स्टीव जॉब्स के इनोवेशन के डिपार्टमेंट को हैंडल करते थे, वो लोग स्टीव जॉब्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एज अ लीडर स्टीव अपनी टीम के साथ काफी हद तक सख्ती से ही व्यवहार करते थे। वो हमेशा अपने एम्प्लॉय के काम को टाइम के बेस पे नहीं बल्कि रिजल्ट के बेस पे जज करते थे। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय पिछले 40 घंटों से एप्पल का माउस बनाने पे काम कर रहा है, तो स्टीव कभी भी उस काम को ऐसे नहीं देखते थे कि ये इंसान पिछले 40 घंटे से कंपनी में बैठकर लगातार माउस बनाने पे ही काम किए जा रहा है, तो इसके काम को थोड़ा अप्रिशिएट करके उसका हौसला बढ़ा दो। वो ऐसा कभी नहीं करते थे, बल्कि वो सीधा उस माउस को अपने हाथ में लेते थे और उसे वो हर वर्स से वर्स कंडीशन में इस्तेमाल करके देखते थे। और उन्हें जरा सा भी माउस की क्वालिटी में इश्यू लगता था तो वो तुरंत ही उस एम्प्लॉय को फिर से उस माउस को एक निर्धारित समय के अंदर अंदर ही फिर से बेहतर क्वालिटी में बनाने के लिए कह देते थे। और जो एम्प्लॉय निर्धारित टाइमलाइन के अंदर काम खत्म नहीं करता था, तो वो वहीं पे उसी समय उसी दिन कंपनी में से उस एम्प्लॉय को निकाल देते थे बिना किसी चीज की परवाह किए बगैर। क्योंकि स्टीव जॉब किसी को खुश करने के लिए या अपने आप को लोगों के सामने टू गुड टू नाइस इंसान दिखाने के चक्कर में कभी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं करते थे। यहाँ तक कि एक बार जब उनकी टीम आईफोन बना करके लेकर आई, तो स्टीव को वो आईफोन थोड़ा सा मोटा लगा, इसलिए स्टीव ने उसे और ज्यादा स्लिम बनाने को बोला। मगर जब सभी एम्प्लॉय ऐसा करने से मना करने लगे, तो स्टीव ने सीधा वो आईफोन पास में रखे फिश टैंक में डाल दिया, जिससे कि उस आईफोन से बबल निकलने लगे, जिसे दिखाते हुए स्टीव ने कहा कि ये देखो, इसमें से अभी भी हवा जाने की जगह बची है। इसका मतलब है कि इसे और भी ज्यादा स्लिम बनाया जा सकता है, इसलिए अभी जाओ और इसका एक और नया और बेहतर प्रोटोटाइप बना करके लेकर आओ। अब जाहिर सी बात थी कि स्टीव के ऐसे रूड बिहेवियर से एम्प्लॉय काफी ज्यादा नाराज थे, मगर स्टीव का ऑर्डर था तो सब एम्प्लॉय को मानना तो पड़ेगा। इसलिए सभी एम्प्लॉयज ने अपने लिमिटेड बिलीव से बियॉन्ड जाकर भी एक ऐसा सुंदर स्लिम आईफोन का निर्माण किया जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। और जब एप्पल पूरी दुनिया की मार्केट को डोमिनेट करने लगा, तब एप्पल के सभी टीम मेंबर्स को ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में उनके लीडर स्टीव जॉब्स की शक्ति भरे लीडरशिप की वजह से ही वो अपने अंदर छुपी अद्भुत काबिलियत को बाहर लेकर आ पाए और कंपनी के साथ साथ वो खुद भी पर्सनल लेवल पे कंपाउंडिंग तरीके से ग्रो हो पाए। लेकिन अगर स्टीव जॉब्स भी बाकी लोगों की तरह ही टू गुड टू नाइस इंसान बनकर लोगों के सामने अच्छा बने रहने पे ही फोकस करते, तो वो भी बाकी लोगों की तरह ही अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते, जिससे कि वो कंपनी में लोगों के चहेते तो बन जाते, मगर वो कभी भी अपनी कंपनी को और अपने एम्प्लॉयज को एक एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ कभी दिला ही नहीं पाते। इसलिए उन्होंने ऐसी बेवकूफी नहीं की, जिसके बदौलत ही आज एप्पल की टीम एंड एम्प्लॉयज दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम एंड एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी सफलता हासिल करने के लिए किस तरह की पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हो, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये किताब खरीदनी है तो उसकी लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं।
अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।